अयोध्या पर रामलला पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से रामलला को लेकर और क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। उनका इंतजार खत्म हुआ, रामलला जी को भव्य राम मंदिर में स्थान मिला और सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की, 140 करोड़ भारतवासियों की एक बहुत लंबे समय की मांग वो पूरी हुई। लेकिन एक बात तो साथ में सिद्ध होती है, भारतीय जनता पार्टी देश में केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपनी विचारधारा को अपने जन्म से लेके आज तक संभाल के भी रखा, आगे भी बढ़ाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। लोग कहते थे राम मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे, हमने राम मंदिर बनाया भी, भव्य समारोह कराया भी। देखिए ऐसा है, अब चाहे वो सवेरे शाम राम की पूजा करें, लेकिन स्वागत समारोह का पत्र को ठुकरा कर उन्होंने अपनी औकात बता दी और हिंदुस्तान की जनता ने उनको देख लिया। अब तो सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो हम कर बैठे और कर वही बैठे जो उनकी भावना थी। अगर उनकी भावना ठीक होती तो ये जो काम कल हुआ है ये आज़ादी प्राप्त होने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। दोनों चीज़ें हैं, अगर मैं राम मंदिर के पक्ष में बोल लूँगा तो राम मंदिर का फायदा मुझे होगा, मैं खिलाफ़ बोल लूँगा तो उसको उसको वो भी तो कोई फायदे के लिए कर रहा है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है वो भी किसी फायदे के लिए कह रहे होंगे। जो ये कह रहे थे कि भाई ये तो केवल कल्पना है उसको मान नहीं रहे थे तो वो किस लिए कर रहे थे, वो भी तो इसीलिए कह रहे थे ना। तो ठीक है, अगर हमें इसका लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। हम विश्वास करते हैं कि भगवान राम थे और वो दुनिया के आदर्श हैं, उम्र यादा पुरुषोत्तम थे, तो उस पर हमारा विश्वास है। अगर हमारे विश्वास पे वोट मिलती है तो ठीक है, और वो कहते हैं कि राम काल्पनिक थे उनके विश्वास पे उनको